तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से केवल इन चीज़ों का यूज़ करके आप एक अच्छा खासा मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। केवल ये चार पेन और एक ये स्केल, अब किस तरीके से इसको बनाना है ये आप वीडियो में ज़रूर देखें। थोड़ा देर का वीडियो होने वाला है, बस 2 मिनट का। तो बिना समय गवाए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब एक बार ये बन जाएगा तब आप भूल जाएंगे कि सब्सक्राइब भी करना था और उसके बाद आप चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जो भी मदद हो वो तो हो जाए, और साथ ही साथ इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं एक कैमरा स्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग एम माचिस का यूज़ करके अपना एम को पूरा करेंगे। इस तरीके से कुछ इसको बर्न कर लेंगे थोड़ी देर तक, जैसा आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ठीक है। तो आप तीनों पेन को एक साथ इस टाइप से थोड़ा देर तक गलने दें, और उसके बाद एक डिफिनिट ट्रायंगल का शेप दे दें इसमें, और उसके बाद थोड़ा देर बाद इसको बंद कर दें। साथ ही साथ एम माचिस का यूज़ करके आप इसको भी जला लें अच्छे तरीके से। इसको इस तरीके के ट्रापीजियम का ट्रायंगल का शेप दे दें, और उसके बाद इसको इस तरीके से कुछ ऊपर में लगा दें। थोड़ा देर इसको रखने से अपने आप ही इसका एक शेप आ जाएगा, और उसके बाद में फिर इसको फिनिशिंग देने के लिए छोड़ दें। तो फाइनली दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम लोग सबसे पहले ये स्केल को टेप से चिपका दिए हैं, नीचे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए टेप का भी प्रयोग कर दिए हैं, और अच्छा खासा ये बन चुका है। अब आप इसको कोई पॉइंटेड जगह पे खोज दें या फिर 3 इरेज़र को खोज दें इसमें, ताकि ये अच्छे से स्टैंड हो जाए। और यदि तब भी स्टैंड ना हो तो कोई भारी चीज़ रख दें, और यहाँ पे अपने मोबाइल को रबर के ज़रिए बांध दें, और आप इजीली इससे काम चला सकते हैं कुछ दिनों तक। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।